नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करेंगे। यह क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। साथ ही क्वेश्चन के उत्तर को काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया है, आप इसे एक बार जरूर पूरा देखें। निश्चित ही आपको अन्य सभी स्रोतों से आसानी होगी इसे पढ़ने और समझने में। यह क्वेश्चन 48 से 52वीं, 40वीं और 41वीं में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसे हम लोग सबसे पहले इसमें भूमिका देखेंगे, साथ ही आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी वह जानेंगे, आज़ाद दस्ता का क्या योगदान था उसे भी पढ़ेंगे, और आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी उसे भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भूमिका को। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम एवं व्यापक जन आंदोलन था। इसके बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ, हमें सीधी आज़ादी मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां एवं क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय निराश हुए, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया। प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है। इस प्रस्ताव के पश्चात गांधी जी के करो या मरो मूल मंत्र के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसमें बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भूमिका में हम लोग ये सारी बातें आराम से लिख सकते हैं, काफी शानदार और सटीक भूमिका है ये। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान काफी निर्णायक रहा। आंदोलन की रूपरेखा एवं होने वाले संघर्ष के लिए 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद ने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में छात्रों एवं युवकों ने राजेंद्र प्रसाद को समर्थन दिया, क्योंकि आंदोलन होने वाला था, उससे पहले आंदोलन का कैसा रूपरेखा होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन में हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सभी बातों को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें कि छात्रों एवं युवकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस के ज़्यादातर या अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त को, महत्वपूर्ण है। इस गिरफ्तारी के बाद संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। वहीं 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यदि आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो यह क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी का प्रबल विरोध छात्रों के द्वारा किया गया। इसी क्रम में 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, जिसमें कि पटना के तत्कालीन जिला कलेक्टर WG आर्चर ने देशभक्त छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसके कारण 7 देशभक्त छात्र शहीद हुए। ये छात्र थे सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिन्हा, देवीपद चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र
सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है प्रीलिम्स के हिसाब से, आप इसे अच्छे से कवर करें। पूछा जाता है सचिवालय की घटना कब हुई थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा की गई इस दमनात्मक एवं कायरतापूर्ण कार्रवाई के बाद संपूर्ण बिहार ज्वलित हो उठा, क्योंकि 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद आंदोलन हुआ। छात्रों के एक गुट ने, एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश की, जिसमें कि उस समय के जो जिला कलेक्टर थे WH आर्चर, उन्होंने उन छात्रों पर गोली चलवा दी और इसमें 7 छात्र शहीद हुए। इस घटना के बाद बिहार में आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। आगे देखते हैं, इस घटना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रहा। लोग हिंसक हो गए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया, पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, संचार के साधन तार एवं टेलीफोन सेवाओं को ठप कर दिया गया, डाकघर, रेलवे स्टेशन तथा थाना एवं सरकारी इमारतों में आगजनी की गई। सरकार द्वारा भी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। गोलीकांड के बाद बिहार में अचानक ही आंदोलन तीव्र तो था, ज्वलित हो उठा। उसके बाद लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें कि आगजनी की गई, सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाया गया, थाना, डाकघर, इन सब को जलाया गया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया। तो इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी प्रयास किया और इसी क्रम में 13 अगस्त को गया में जगन्नाथ मिश्र, श्री कैलाश राम, श्री मुई को गोली मार दी गई। बक्सर के डुमराव में आंदोलन को दबाने के प्रयास में अधिकारियों द्वारा कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, बालेश्वर दुबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस आंदोलन में सिवान जिला के महाराजगंज में 16 अगस्त को ध्वंसात्मक कमेटी का गठन किया गया। बिहार में कई जगह आंदोलन तो चल ही रहे थे और इसी क्रम में सिवान के महाराजगंज में एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के द्वारा एक जुलूस का भी आयोजन किया गया। आंदोलनकारी महाराजगंज थाने पर झंडा फहराने के लिए पहुंचे और झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई और वे शहीद हुए। यह प्रीलिम्स में पूछा जाता है फुलेना प्रसाद के बारे में, सिवान से संबंधित हैं। इस घटना के बाद फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी द्वारा थाना भवन पर झंडा फहराया गया। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी के जुब्बा साहनी ने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर मीनापुर थाने पर हमला किया तथा थानेदार बालर को जिंदा जला दिया। मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थी उसका विरोध किया गया। इसके जवाब में सरकार ने मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाला, जिसमें अपनी उपलब्धियों का प्रचार किया। इस आंदोलन के दौरान कटिहार में आंदोलनकारियों के जुलूस ने थाने का घेराव किया तथा रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया। इस घटना के विरोध में सरकार ने भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिसमें ध्रुव कुमार कुंडू, कालानंद मंडल, रामाधार सिंह, दामोदर सिंह की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं,
आजाद दस्ता के बारे में कुछ जानते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने चार साथियों के साथ, ये साथी थे योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद एवं शालिग्राम सिंह के साथ जेल से भाग निकले एवं नेपाल की तराई में शरण ली। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए आजाद दस्ते का गठन किया गया। यह पूछा जाता है, आजाद दस्ते का गठन किसके नेतृत्व में या किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दस्ता का गठन तोड़ फोड़ कर के लिए किया गया था। 1943 तक आजाद दस्ता सक्रिय रूप से आंदोलन करता रहा, परंतु नेपाल सरकार के सहयोग से ब्रिटिश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, शालिग्राम सिंह जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन, यह दस्ता शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस समय भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। इस आंदोलन में छात्रों ने रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया और रेलगाड़ी को अपने नियंत्रण में कर लिया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा। इस ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही। इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, किंतु जब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कोशिश की गई तो महिलाओं ने नारा दिया, पुलिस हमारा भाई है। इस नारे से भारतीय सिपाहियों ने लाठी चलाने से मना कर दिया। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने कई जगह समानांतर सरकार की स्थापना की। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता के जनाक्रोश का परिणाम था। इस आंदोलन में अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य किया। यह आंदोलन पूर्ण रूप में सफल रहा तथा देश की आज़ादी के लिए यह आंदोलन अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन साबित हुआ। दोस्तों, ये था भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार की भूमिका। आप इसे अच्छे से तैयार करें। ऐसे ही प्रश्न और भी अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ऐसे प्रश्नों पर आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।